सिख धर्म के पहले संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का आज 550वां प्रकाश पर्व है और गुरुद्वारे को आप देख सकते हैं इस प्रकाश पर्व में कितने भव्य तरीके से सजाया गया है। चंडीगढ़ में इस गुरुद्वारे में आप देख सकते हैं कि ये देश और विदेशों से जो फूल मंगवाए गए हैं, ताजे फूल मंगवाए गए हैं, उससे गुरुद्वारे की सजावट की गई है, क्योंकि 550वां ये प्रकाश पर्व है, दोबारा नहीं आने वाला है 550वां, तो इसको लेकर खासी उत्साह श्रद्धालुओं में भी है और गुरुद्वारे को बिल्कुल भव्य तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरा गुरुद्वारा सजावट यहाँ पर की गई है, विदेशों से ये फूल मंगवाए गए हैं। और अगर हम गुरुद्वारे के अंदर की आपको तस्वीर दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं शब्द कीर्तन अंदर गुरुद्वारे में चल रहे हैं और जगह जगह से जो जितने भी श्रद्धालु हैं, चाहे सिख श्रद्धालु की अगर बात कर ले, चाहे जो हिंदू श्रद्धालु उनकी बात कर ले, सभी यहाँ पर पहुँच रहे तरीके से श्री गुरु नानक देव जी की तरफ से उपदेश दिया गया है, संदेश दिया गया है, कीरत करो, जाप करो और वन छको। लंगर का जो सबसे पहला संदेश था वो श्री गुरु नानक देव जी ने दिया था। और यहाँ पर चंडीगढ़ के गुरुद्वारे की अगर हम बात करें तो जगह जगह पर यहाँ पर शब्द कीर्तन हो रहे हैं, नगर कीर्तन हो रहे हैं। लंगर की खास तौर से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो श्रद्धा भावना से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी का जो संदेश है वो ये भी है कि आप सेवा करें, लोगों की सेवा करें। आप विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपनी सेवा यहाँ पर दिखा रहे हैं और आज का जो पर्व है वो बहुत ही खास तरीके से मनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम करतारपुर कॉरिडोर की बात करें तो करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया गया है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री ननकाना साहिब में माथा टेक रहे हैं, करतारपुर के श्री दरबार साहिब में माथा टेक रहे हैं और सुल्तानपुर लोधी की अगर बात करें वहाँ भी माथा टेक रहे हैं और पूरे भव्य तरीके से श्री गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व है आज मनाया जा रहा है। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।